बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। बनी नद न्यूज़ से मैं हूं अबू जर गफारी। अमेरिका के खिलाफ रूस के एटमी हथियारों के खतरात का जायजा लेने वाली सालाना अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि मॉस्को के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एटम बम मौजूद है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस जौहरी हथियारों का सबसे बड़ा और ताकतवर जखीरा रखता है और अपने जौहरी हथियारों की सलाहियतों को वसत और जदीद बनाने का काम अभी तक जारी रखे हुए है। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने तवील फासले तक मार करने वाले जौहरी मिसाइलों को भी बेहतर बना रहा है, नीज अपग्रेड कर रहा है और जौहरी और रिवायती वार हेड्स ले जाने की सलाहियत रखने वाले एक वसी और मतनू जदीद नॉन स्ट्रेटेजिक निज़ाम को तैयार और जदीद बनाने में भी मसरूफ़ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मॉस्को का ख्याल है कि यह निज़ाम रूस को दिफाई मुमकिना दुश्मनी में इजाफे पर काबू पाने और अमेरिका और इत्तेहादियों की रिवायती अफवाज का मुकाबला करने की सलाहियत फराहम करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 21 फरवरी को कहा था कि मॉस्को स्ट्रेटेजिक जारहाना हथियारों में कमी के मुहैदे में अपनी शिरकत को मुअत्तल कर देगा, लेकिन इससे दस्तबरदार नहीं होगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबू ज़र गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।